गया पुलिस ने बेरोजगार युवकों को रोजगार देने का झांसा देकर लाखों रुपए ऐंठने वाले गिरोह का खुलासा किया है। गिरोह में शामिल 6 सातिर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही इसके पास से नगद, 6 मोबाइल, एटीएम कार्ड, स्वाइप मशीन, रजिस्टर, रसीद सहित हर्बल प्रोडक्ट भी बरामद किए गए हैं। इसकी जानकारी एसएसपी आशीष भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। एसएसपी आशीष भारती ने बताया कि बोधगया के समस्तीपुर गांव के समीप एक होटल में किराए के रूम लेकर महाबोधि एंटरप्राइजेस नामक सेंटर खोलकर बेरोजगार युवकों को रोजगार देने के नाम पर पैसे ऐंठते थे, जिस समय छापेमारी की जा रही उस समय 20 बेरोजगार युवक मौजूद थे, जिसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। ट्रेनिंग के नाम पर 30-30 हजार रुपए लेते थे। इस गिरोह में शामिल गया जिले के अलावा दूसरे जिले को भी लोग शामिल हैं। वहीं इसके अन्य गिरोह के बारे में भी जानकारी ली जा रही है। एक आवेदक के द्वारा ईमेल से और व्हाट्सएप के माध्यम से यह जानकारी दिया गया कि बोधगया थाना क्षेत्र में कुछ व्यक्तियों के द्वारा बेरोजगार युवकों को, युवतियों को नौकरी लगाने के नाम पर उनसे पैसे की ठगी की जा रही है। इस मामले की जांच के लिए पहले सर्वप्रथम तकनीकी शाखा को निर्देशित किया गया, जिनके उनके द्वारा जब जाँच किया गया तो यह पाया गया कि बोधगया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मस्तीपुर में कुछ लोग पुलिस को देख करके वहाँ पे भागने लगे। जो और सभी ये जो व्यक्ति हैं, इसमें से अधिकतर लोग गया जिला के बाहर से हैं। इनके नाम हैं मोतीलाल दास जो कि खगड़िया जिला का है, जमशेद जो कि भागलपुर जिला का है, रजनीकांत जो कि गया जिला के इमामगंज थाना क्षेत्र का है, सुखेंद्र जो कि परैया थाना क्षेत्र गया जिला का है, सुभाष कुमार जो कि खुसरूपुर पटना जिला का है। इन सब के पास से एक एक स्मार्ट मोबाइल बरामद किया गया तथा ATM कार्ड और पैन कार्ड बरामद किया गया।